गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम करने वाले हैं टेंसेस को कंटिन्यू। इससे पहले वाली वीडियो में हमने किया था पास सिंपल टेंस, तो उसको देखने के लिए आप आई बटन पर क्लिक करके उसको देख सकते हो। और आज की वीडियो में हम पास टेंसेस के जो दूसरे टाइप्स हैं, जैसे पास कंटिन्यूस, पास परफेक्ट और पास परफेक्ट कंटिन्यूस, उसको डिस्कस करेंगे। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो चलिए चलते हैं आपके पास्ट सिंपल की तरफ। ठीक है, पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूस टेंस की तरफ। ठीक स्टूडेंट्स, तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस की हम बात करें तो चलिए पास्ट कंटिन्यूस टेंस। तो गाइस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस क्या होता है? इस ऐसे कौन से सेंटेंसेस हैं जो कि जब हिंदी में लिखे जाते हैं तो हम उनको पास्ट कंटिन्यूस टेंस कहेंगे। तो कैसे पहचान सकते हैं, उसके लिए आप क्या याद रखोगे कि जो भी आपका हिंदी का जो वाक्य होगा, जैसे सेंटेंस आप कह लो, जब वो उसके एंड पे आएगा, रहा था, रही थी, रहे थे, ऐसे जो वाक्य होंगे वो पास्ट कंटिन्यूस टेंस के अंदर माने जाएंगे। पास्ट कंटिन्यूस टेंस का मतलब होता है कि आप बात तो वो कर रहे हो जो बीत चुकी है, लेकिन कंटिन्यूस होती है, यानी कंटिन्यूस में वो रहेगा। जैसे उदाहरण के तौर पर समझिए, राम सो रहा था, तो ये एक क्या हुआ है, तो बात पास्ट की बात है, लेकिन वो पास्ट में उस काम को कंटिन्यू कर रहा था, तो इसीलिए हम उसको कहेंगे, क्योंकि वो पास्ट में जब हम बात कर रहे थे वो सो रहा था उस समय पे। इसीलिए ये टेंस कौन सा हो जाएगा, पास्ट कंटिन्यूस, यानी पास्ट तो है बट कंटिन्यूस है। इसी तरीके से राम सो रहा था, या वह खेल रहा था, है ना, राधा हंस रही थी, ये सारे जो वाक्य हैं ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस के अंदर आते हैं। तो अब हम चलते हैं इसके रूल की तरफ, किसका रूल जो है वो क्या कहता है, आप इसको जब ऐसे वाक्य आप आएंगे तो आप कैसे चेंज करोगे। तो पहला जो रूल आता है वो आता है अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए। अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, ये वो सेंटेंसेस होते हैं जो साधारणात्मक होते हैं, ठीक है जी, सिंपल, जिसमें खा रहा था, पी रहा था, सो रहा था, ऐसे वाक्य आते हैं। तो इसका जो रूल है वो है सब्जेक्ट प्लस, पहले सबसे पहले आपने लिखना है सब्जेक्ट, कुछ भी सब्जेक्ट हो सकता है। सब्जेक्ट दो तीन तीन तरह के सब्जेक्ट होते हैं, जिसपे हमने पहले भी इससे प्रीवियस वीडियो में बात की है। तो उसको जानने के लिए, सब्जेक्ट के बारे में जानने के लिए आप हमारी टेंसेस की फर्स्ट वीडियो देखिए, है ना, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया जाएगा, वहां से जाके उसको देख सकते हो। तो सब्जेक्ट जोड़ोगे फर्स्ट पर्सन, जिसमें आई आता है, आई वी, है ना, तो आई जो है वो फर्स्ट पर्सन है, इस तरीके से सेंटेंसेस को, और सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, तीन तरह के सेंटेंसेस जो है सब्जेक्ट जो है वो होते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या लगाना है, सब्जेक्ट लगाना है। सब्जेक्ट के बाद में आपने इस्तेमाल लगाना है वाज और वर का, किसका इस्तेमाल करना है, वाज और वर का इस्तेमाल करना है। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, उसके बाद आईएनजी, और फिर ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल जो है वो करना है। तो आइए इसकी एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो वह स्कूल जा रहा था, है ना, तो क्या हो गया, ये वह स्कूल जा रहा था, तो कैसे आएगा, सब्जेक्ट क्या आ गया, ही के बाद क्या लगेगा, वाज। वाज का प्रयोग आप करते हो आई, आई, ही, शी, इट और सिंगुलर नंबर के साथ, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। आप वाज का प्रयोग किसके साथ करते हो, तो इसको ध्यान में रखिएगा, वाज का प्रयोग होगा आई, ही, शी, इट एंड सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में, और वर्ब का प्रयोग करोगे वी, यू, दे एंड प्लूरल सब्जेक्ट, बाकी जितने भी प्लूरल सब्जेक्ट आप पे होंगे आप उनके साथ में वर्ब का इस्तेमाल करोगे, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो आइए हम इसकी बात करते हैं। तो एग्जाम्पल आ गया वह स्कूल जा रहा था, ही वॉज गोइंग टू स्कूल, और दूसरी एग्जाम्पल आई वे खेल रहे थे, तो क्या आया, दे। दे एक से ज्यादा सब्जेक्ट है, एक से ज्यादा व्यक्तियों की बात कर रहा है, तो ये प्लूरल सब्जेक्ट हुआ, और उसके साथ आप वर्ब का इस्तेमाल करोगे, तो ऑब्वियसली सब्जेक्ट आ गया दे, उसके बाद में वर्ब लगा, है ना, और प्ले जो है वो क्या होगा, वर्ब की पहली फॉर्म प्ले और साथ में आईएनजी जोड़ दोगे, तो दे वर प्लेइंग। अगर यहाँ पे होता कि वह फुटबॉल खेल रहे हैं, तब आपका ऑब्जेक्ट फुटबॉल हो जाता, यहाँ पे जो वाक्य बनता वो बनता दे वर प्लेइंग फुटबॉल, लेकिन यहाँ पे कोई लिखा नहीं है कि वो कौन सी चीज खेल रहे हैं, तो सिंपली दे वर प्लेइंग हो जाएगा, ठीक है गाइस। अब बढ़ते हैं इसके नेगेटिव सेंटेंस की तरफ। नेगेटिव सेंटेंस में आप ना करते हो, नहीं सो रहा था, नहीं खा रहा था, नहीं पी रहा था, इसमें कुछ भी नहीं होता, बहुत सिंपल है, इसमें वाज वर्ब के साथ में नॉट आता है, बाकी रूल में कोई भी बदलाव नहीं है, बिल्कुल सेम ही है। उदाहरण के तौर पर वह स्कूल नहीं जा रहा था, क्या हो जाएगा, ही वॉज नॉट गोइंग टू, ही वॉज नॉट गोइंग टू स्कूल हो जाएगा। वह नहीं खेल रहा था, तो क्या आ जाएगा, वह नहीं खेल रहे थे, तो क्या हो जाएगा, दे वर नॉट प्लेइंग, सिंपल, ठीक है, इसको बदलाव नहीं है, वाज और वर के साथ में नॉट आएगा। इंटरोगेटिव की बात करते हैं, इंटरोगेटिव वो सेंटेंसेस होते हैं
इस तरीके के संदर्भ जो है वो इंटरोगेटिव में आते हैं, जिसमें प्रश्न पूछे जाते हैं, क्वेश्चन किया जाता है। तो आइए देखते हैं इसके रूल। इसका रूल में गाइस क्या होगा कि वाज वर्ब जो है वाज वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लगा दिया जाएगा, बाकी रूल के अंदर कोई बदलाव नहीं है, सिर्फ एंड पे क्वेश्चन मार्क आएगा। ठीक है जी, वाज वर्ब पहले लग जाएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर आई एन जी और ऑब्जेक्ट आएगा। उदाहरण के तौर पर देखिए इसको, क्या वह स्कूल जा रहा था, तो क्या हो जाएगा, जो वाज आपने बाद में लगाया था सब्जेक्ट के बाद में, वो सब्जेक्ट से पहले लगेगा। वाज ही गोइंग टू स्कूल, तो क्या वो स्कूल जा रहा था, और एंड पे क्वेश्चन मार्क लगेगा। तो क्या वह खेल रहे थे, वर दे प्लेइंग, है ना, वर पहले लग जाएगा, है ना। जो भी आपने हेल्पिंग वर्ब लगाई थी जैसे वाज और वर जो थे वो पहले लग जाएंगे, और बाकी रूल सेम ही है, वर दे प्लेइंग, है ना, क्या लगेगा, जैसे यहाँ पे वर लाया, वाज वर आया तो वर पहले लग जाएगा, सब्जेक्ट क्या था, दे, है ना गाइस। तो उसके बाद में फर्स्ट फॉर्म वर्ब प्ले और आई एन जी लग गया, और ऑब्जेक्ट अगर फुटबॉल होता तो फुटबॉल लिखते, जो भी गेम वो खेल रहे होते। सो वर दे प्लेइंग, ठीक है गाइस। इस तरीके से आप इन सब वाक्यों को बना सकते हो। और इसके फोर्थ जो रूल है अगर हम उसकी बात करें तो वो क्या आता है, ये आता है नेगेटिव इंटरोगेटिव, यानी इंटरोगेटिव क्वेश्चन तो है लेकिन उसके अंदर भी ना कर दिया गया है, जैसे क्या वह स्कूल नहीं जा रहा था। इस प्रकार से देखिए तो रूल कैसे होगा, वाज वर्ब तो लगेगा जैसे आपने यहाँ पे लगाया था, वाज वर्ब सब्जेक्ट के बाद में नॉट लगा देना है, बाकी रूल सेम ही है, वाज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आई एन जी और साथ में ऑब्जेक्ट लगा के क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। तो क्या वह स्कूल नहीं जा रहा था कैसे चेंज होगा, वाज पहले आ गया क्योंकि यहाँ पे ही की बात कर रहा है, सो वाज ही नॉट गोइंग टू स्कूल, एंड पे क्वेश्चन मार्क आ गया। ठीक है गाइस, तो ये थे रूल आपके पास्ट कंटिन्यूस टेंस के। आप यहाँ इन रूल्स के, इन रूल को देखकर बहुत सारी वर्ब की फॉर्म के साथ अलग 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 एक्सरसाइजेस कर सकते हो, इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। तो आइए हम बात करते हैं अब आपके नेक्स्ट जो टेंस है हमारे पास, उसकी तरफ बढ़ते हैं। तो डियर स्टूडेंट जो आगे आता है वो आता है पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस आता है, पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर क्या होता है, तो पास्ट परफेक्ट टेंस की हम बात करते हैं तो वाक्य के अंत में क्या आता था, चुका था, चुकी थी, गए थे, गया था, ऐसे जो वाक्य हैं वो पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर आते हैं। ठीक है गाइस, अब इसके रूल की हम बात करते हैं तो क्या होता है, अफर्मेटिव रूल क्या कहता है, अफर्मेटिव सेंटेंस का जो रूल है वो कहता है सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस थर्ड फॉर्म लगेगा। तो ये आप बहुत सिंपल है, आप इसको याद कर सकते हो। आपने क्या करना होता है, जो भी आपका सब्जेक्ट हो उसमें ये फर्क नहीं पड़ता सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, आपने हैड प्लस थर्ड फॉर्म लगा देना है और साथ में ऑब्जेक्ट लगेगा। वेरी सिंपल, सबसे आसान है, पास्ट परफेक्ट का जो रूल है वो कहता है कि हैड प्लस आपने क्या करना है, थर्ड फॉर्म लगानी है, हैड प्लस थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करना है, साथ में ऑब्जेक्ट आ जाएगा। उदाहरण के तौर पे वह स्कूल जा चुका था, या फिर ऐसे कह सकते वह स्कूल गया, वह स्कूल गया था, है ना, इस तरीके से। तो यहाँ से आ जाएगा ही हैड गॉन टू स्कूल, वो स्कूल गया था, वह स्कूल जा चुका है, वह स्कूल जा चुका था, सो ही हैड गॉन टू स्कूल, है ना, पुरानी बात कर रहे थे, उस समय वो लड़का जो स्कूल चला गया था या जा चुका था कैसे भी करके, सो वह खेल चुके थे जब उन्होंने खेल लिया, इस तरीके से भी हो सकता है। सो दे हैड प्लेड, क्या हो गया, दे हैड प्लेड। अब हम बात करते हैं नेगेटिव रूल की तरफ। नेगेटिव का रूल में क्या लगेगा, हैड नॉट लग जाएगा, बाकी थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल होगा, हैड नॉट प्लस थर्ड फॉर्म, सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट प्लस थर्ड फॉर्म। इसकी एग्जांपल देखिए, वह स्कूल नहीं गया था तो कैसे चेंज हो जाएगा, ही हैड नॉट गॉन टू स्कूल, सब्जेक्ट क्या लगेगा, ही, साथ में हैड नॉट लगा दिया, है ना, साथ में क्या लगा दिया स्टूडेंट्स, हैड नॉट और प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट लग गया। दूसरी एग्जांपल, वह नहीं खेले थे, है ना, तो क्योंकि वो उन्होंने गेम नहीं खेला था तो क्या जाएगा, दे हैड नॉट प्लेड, वो उस गेम को नहीं खेले थे उस समय। ठीक है, इंटरोगेटिव की हम बात करें तो इसमें जो रूल लगता है, जो हैड होगा ये पहले आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट लगेगा, फिर थर्ड फॉर्म लगेगी, और फिर ऑब्जेक्ट और एंड पे क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, क्या वह स्कूल जा चुका था, तो क्या हो जाएगा, वॉज ही गॉन टू स्कूल। ठीक है गाइस, ये थोड़ी सी एग्जाम्पल यहाँ पे गलत हो चुकी है, इसको ठीक कर लीजिएगा। यहाँ पे आएगा वॉज ही, सॉरी नॉट वॉज, इज हैड ही गॉन टू स्कूल आएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, इसको ठीक कर लेते हैं, वेट, सॉरी इसको ठीक करते हैं, जो आपका जहाँ पे, वेट, यहाँ पे क्या आएगा डियर स्टूडेंट्स, गिव मी अ सेकेंड। तो डियर स्टूडेंट्स, क्या वह स्कूल जा चुका था, जहां पे क्या आएगा, हैड
वेट वेट वेट, सो डे स्टूडेंट्स, क्या वह स्कूल जा चुका था? क्या हो जाएगा? हैड ही गॉन टू स्कूल, ठीक है गाइज? तो हैड ही गॉन टू स्कूल यहाँ पे एच बड़ा आएगा, तो आप इसको ठीक कर लीजिएगा। थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक हो चुका है, तो आप इसको प्लीज थोड़ा सा कंसिडर कर लीजिएगा। तो यहाँ पे जो एच आएगा वो बड़ा आएगा। क्या वह स्कूल जा चुका था? सो हैड ही गॉन टू स्कूल, ठीक है? क्योंकि हैड पहले लगेगा तो सब्जेक्ट क्या आएगा? ही हो गया, और थर्ड फॉर्म गो वेंट गॉन थर्ड फॉर्म होती है। ऑब्जेक्ट क्या है? स्कूल की बात कर रहा है। सो हैड ही गॉन टू स्कूल। क्या वे खेले थे? जहाँ पे क्या आ जाएगा? हैड दे प्लेड। तो क्या उन्होंने इस पार्ट में मतलब गेम के अंदर पार्टिसिपेट किया था या नहीं किया था? तो हैड दे प्लेड हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, आगे इस तरीके से अब इसकी जो लास्ट जो एक्सरसाइज है इसको देखते हैं। नेगेटिव इंटरोगेटिव में क्या हो जाएगा? हैड प्लस सब्जेक्ट के बाद नॉट आएगा। तो क्या वह स्कूल नहीं गया था? कैसे हो जाएगा? हैड ही नॉट गॉन टू स्कूल। तो क्या वह स्कूल नहीं गया था, ठीक है गाइस? तो इस तरीके से आप भी इन रूल्स का इस्तेमाल करके और भी बहुत सारे जो वाक्य हैं उसको हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हो, ठीक है गाइस? आगे हम बात करते हैं इसके नेक्स्ट रूल की, विच इज पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, ठीक है डियर स्टूडेंट्स? इसको करते हैं। तो क्या हो जाएगा? देखिए इसको कैसे पहचानेंगे? इसके वाक्य में आता है, जो वाक्य जब सेंटेंस जब खत्म होता है तो उसके एंड पे आता है रहा था, रही थी, रहे थे, लेकिन उसके साथ में एक समय दिया होता है। समय के साथ ही अब इसको डिफरेंशिएट कर पाओगे कि पास्ट कंटिन्यूस कौन सा है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस कौन सा है। परफेक्ट कंटिन्यूस में आपको एक समय दिया होगा, ठीक है गाइस? उदाहरण के तौर पे वह एक घंटे से पौधों को पानी दे रहा है, वह एक घंटे से लेटर लिख रहा है, वह सुबह से लेटर लिख रहा है, वह सुबह से खा रही है, जो खूब पी रही है, जो सो रही है, बट एक समय दिया होगा। फिर वो समय जो है वो पॉइंट ऑफ टाइम भी हो सकता है, पीरियड ऑफ टाइम भी जो है वो हो सकता है। आइए हम बात करते हैं इसके रूल की तरफ। तो अफर्मेटिव सेंटेंसेस के अंदर जो इसका रूल है वो आता है सब्जेक्ट प्लस हैड बीन लगाना है। आपने सब्जेक्ट के साथ में हैड बीन का इस्तेमाल करना है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर आईएनजी आएगा, फिर ऑब्जेक्ट लगेगा, फिर सिंस और फॉर में से एक चीज लगेगा, और उसके बाद में टाइम लगाना है, फिर एंड पे फुल स्टॉप। सिंस का इस्तेमाल होता है, सिंस का जो आप प्रयोग करते हो तो ये करते हो आप पीरियड ऑफ टाइम के लिए, सॉरी पॉइंट ऑफ टाइम के लिए आप इसका इस्तेमाल करते हो, ठीक है डियर स्टूडेंट्स? किसके लिए? पॉइंट ऑफ टाइम के लिए आप इसका इस्तेमाल करते हो सिंस मॉर्निंग का। तो यहाँ पे पॉइंट किया होता है, जैसे सुबह से, शाम से, दोपहर से, सिंस मॉर्निंग, सिंस मंडे, है ना, सिंस ट्यूजडे। इस तरीके से आप जो है ना उन सब चीज़ों को आप कंसिडर कर सकते हो, जहाँ पे एग्जैक्ट टाइम ना देखे बल्कि एक पॉइंट हिंट दिया हो। लेकिन जहाँ पे एग्जैक्टली दिया कि 2 घंटे से कर रहा है या 3 घंटे से कर रहा है, तो वहाँ पे आपने फॉर का इस्तेमाल करना है। फॉर इज फॉर द पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है गाइस? तो एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, वह सुबह से पौधों को पानी दे रहा था, ठीक है जी? तो क्या हो जाएगा? ही सब्जेक्ट क्या आ गया? ही, क्योंकि लड़का है, और उसके बाद हैड बीन लगाया। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या हो गया? वाटरिंग, है ना, वाटर, और साथ में एनजी लगाया, वाटरिंग। किसको दे रहा था? प्लांट्स को। ही हैड बीन वाटरिंग द प्लांट्स सिंस मॉर्निंग, तो सुबह से पौधों को पानी दे रहा था। वह 2 घंटे से खेल रहे थे, तो क्या हो जाएगा? दे, क्योंकि सब्जेक्ट क्या हो गया? दे, और फिर लगेगा हैड बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्ले, आई एन जी प्लेइंग, और कितने, फिर सिंस और फॉर में से एक चीज आएगी, 2 घंटे, तो फॉर 2 आवर्स। नेगेटिव सेंटेंस में हैड नॉट बीन लगेगा, बाकी सेंटेंस में कोई बदलाव नहीं है। तो वह सुबह से पौधों को पानी नहीं दे रहा था, क्या हो जाएगा? ही हैड नॉट बीन वाटरिंग द प्लांट्स सिंस मॉर्निंग, और वह 2 घंटे से नहीं खेल रहे थे, तो दे हैड नॉट बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स हो जाएगा। इंटरोगेटिव सेंटेंस की बात करें तो हैड पहले लगेगा, सब्जेक्ट बाद में लगेगा, और उसके बाद में बीन लगेगा, बाकी उसमें कोई बदलाव नहीं है, सिर्फ यही बदलाव है, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन लग जाएगा। क्या वह सुबह से पौधों को पानी दे रहा था? तो क्या हो जाएगा? हैड पहले लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट लगेगा, हैड ही, उसके बाद बीन, हैड ही बीन वाटरिंग द प्लांट्स सिंस मॉर्निंग, और एंड पे क्वेश्चन मार्क। क्या वह 2 घंटे से खेल रहे थे? तो क्या हो जाएगा? हैड दे बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। इस तरीके से हो जाएगा। नेगेटिव इंटरोगेटिव की बात करें, सब्जेक्ट के बाद में नॉट बीन लगाना है, बाकी ऊपर वाले सेंटेंस में कोई बदलाव नहीं है, पूरा सिमिलर ही है। क्या वह 2 घंटे से नहीं खेल रहे थे? उदाहरण के तौर पे तो क्या आ जाएगा? हैड ही, है ना, जैसे यहाँ लिखा है, क्या वह 2 घंटे से खेल रहे थे? हैड दे बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, यहाँ पे क्या हो जाएगा? हैड दे आएगा, यहाँ पे सब्जेक्ट चेंज कर लीजिएगा, गलत हो गया यहाँ पे, हैड दे नॉट बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, तो ही नहीं आके यहाँ पे दे आएगा, प्लीज करेक्ट कर लीजिएगा, थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक यहाँ पे भी है। तो क्या हो जाएगा? Had they not been playing for
2 आवर्स। ठीक है गाइज, तो इसके साथ ही पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस के जितने रूल हैं वो खत्म होते हैं। आप इन सब रूल्स का इस्तेमाल करके वाक्य बनाइए और कमेंट में बताइए अगर आपको कोई डिफिकल्टी आती है या इस पर फिर से एक वीडियो चाहते हो जिसमें हम सभी सेंटेंसेस को प्रेजेंट और पास्ट को एक साथ डिस्कस करें। तो आप प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए और अपने विचार इस वीडियो पे जरूर दीजिएगा। तो इसी के साथ आपका पास्ट टेंस जो है वो कंप्लीट होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और प्लीज कमेंट करिए कि आपको ये वीडियो समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। कैसे भी जैसा भी आपको इस वीडियो के बारे में लगे तो कमेंट करके अपनी फीडबैक जरूर दीजिए ताकि हम आने वाली वीडियो को इससे भी बेहतर बना सकें। तो गाइज अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, है ना, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। सो और दबा के शेयर कीजिए ताकि आप लोगों के सपोर्ट के साथ ही हम अपने चैनल को ग्रो करवा पाएंगे। सो थैंक यू वेरी मच, टिल देन गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।